स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में नेशनल यूथ डे मनाया गया। आज बीजापुर अंजुमन इस्लाम कॉलेज में डेबिटिंग यूनियन एंड एनएसएस यूनिट ने स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाते हुए स्वामी विवेकानंद को जबरदस्त श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हाशिम पीर वालिकर, वाइस प्रिंसिपल अनिस शेख, चेयरमैन डेबिटिंग यूनियन एसएस दौलत कोटी, एनएसएस ऑफिसर आईजी रुखैया, एसजी मालदार ने बात करते हुए स्वामी विवेकानंद को नौजवानों का आदर्श बताते हुए एक महान आदर्शवादी व्यक्ति बताया। Generation, he invited the youth generation to control himself
To control the behavior, to control the character, to maintain the boy and girl and mannership and humanity of our personality. Swami Vivekananda says that to fight the against the freedom to India. जो तकरीर हमारे सामने हमारे मेहमान खुसूस ने पेश की, मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि सर हम बड़े खुश नसीब हैं कि आपने बड़ी और खूबसूरत तकरीर हमें सुनाई और स्वामी विवेकानंद किस तरह से वो हुब्बुल वतन थे और वो कौमी एकजहती चाहते थे. उनका कहना ये था कि हमारे देश की तरक्की में नौजवानों ही का सबसे बड़ा रोल है और हिंदू समाज उसी वक्त तरक्की करेगा जब हम सबसे मोहब्बत करना सीखेंगे. ये पैगाम इनके खास तौर पर थे. सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरत बातें स्वामी विवेकानंद के ताल्लुक से आपने कही. इसी तरह से मैं आपके सदर इजलास अनीश शेख साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आचार्य के साथ जिसको आपने कहा अलामा इकबाल के कलाम के नशा के साथ जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहे और नशा के साथ मैं अपनी जगह रहता हूँ. तू रह तवर्दे शौक है, तू रह तवर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल लैला भी हम नशी हो तुम्हें मिल न कर कबूल. ऐ जो आप बढ़ते हो दरियाए कुंद तेज साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. वाह खुदा ना अल्हम्दुलिल्लाह. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन.